बातें अक्का, इतना लेट हो गया। तुषी आंटी कब से रो रही है अक्का, एक बार उनसे बात कर लो। मैं देखती हूँ, सुनना रमन कहाँ है? मेरी अप्पा कह रहे थे कि फ्यूनरल के बाद वो शायद पाठक से मिलने गए। अच्छा सुन लो, ये मीर का सामान है, गेस्ट रूम में रखवा दो, कुछ देर में यही रहेगा। ये मुझे दे दो। आलू गोभी, बहुत भूख लगी है, कुछ यमी खाने का मन कर रहा है, लेकिन बनाए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या? वेल वेल वेल, बटर चिकन। यस। ओह माय गॉड, मेरा कितना मन कर रहा था नॉनवेज खाने का। थैंक यू सो मच। चलो बैठ के खाएं, थैंक यू से पेट भर रहा है। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। जल्दी। मुझे पता था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, और मुझे ये भी पता था कि तुम्हें चिकन बहुत पसंद है, तो मैं ले आया। वैसे मैं सोच रही थी कि सपोजिंग रमन और रचिता का बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो इशिता तो वेजिटेरियन है, तो मेरा नॉनवेज खाना सर ओके? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक मैं वेजिटेरियन खाती हूँ, मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तुम बेकरी को चलाए हो ना? हाँ हाँ, बट आर यू श्योर? यस। ओके ठीक है, ये पनीर की सब्जी खाते। नाइस। देखो तुम्हें पता, तुम मुझे सरप्राइज कर देती हो, जब जब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जान गया हूँ, कुछ ऐसा कर देती हो जिससे लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। रमन और रिशिता दोनों ही लकी हैं कि तुम उनके बच्चे की सरोगेट मदर बन गई हो। बस अब हो गई तारीफ, खाना खाएं, I'm so hungry। भाभी आप प्लीज चलिए ना, रोही को देखिए, वो बहुत ज्यादा रो रही है, किसी की कोई बात नहीं मान रही है, आपको चलना ही पड़ेगा प्लीज। रो बेटा, रो, ऐसा मत रो। इशिमा रिंकी का हमें छोड़ के चली गई, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, लोग ऐसे ही चली जाते हैं क्या? रोही, रिंकी बुआ भगवान के पास गई है। पता है क्यों? भगवान को भी तो अच्छे लोगों की जरूरत होती है ना अपने आसपास। भगवान जी किसी को भी कभी भी बुला सकते हैं, वो आपको और पापा को भी बुला सकते हैं। कभी नहीं, मैं और पापा को कभी कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। आप ऐसे कभी सोचना भी नहीं। कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं आपको। इश्मा मुझे पता है कि रिंकी बहुत तारा बन गई है, पर प्लीज आप मुझे और राधिका को कभी छोड़ के मत जाना, वरना तो मैं मर जाऊंगी। नो प्लीज रुई, आप ऐसी बात मुझसे दोबारा कभी नहीं करोगे, समझ गए आप? इश्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, आप मेरी जान हो, मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? हाँ नो, मैं कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। ओके आपका प्रॉमिस ऋषिमा? प्रॉमिस? ये प्रॉमिस भूलोगी नहीं ना रूही? प्रॉमिस ऋषिमा आपके पास रहेंगी। ओके चल, ये अच्छी बच्ची हो ना, अभी हम और क्राई क्राई नहीं करेंगे। अगर हम इतना रोएंगे तो सोचो दादू दादी कितना रोएंगे, और दादू दादी का ख्याल कौन रखेगा? हम रखेंगे, है ना? तो हम अब नहीं रोएंगे, ठीक है? हम ब्रेव रहेंगे, ऑलराइट? अभी आप जल्दी से कपड़े चेंज करके सो के, ठीक है? क्या कर रहे हो? बंद करो यार, प्लीज। चलो उठ, लीव इट। सुनिए तो रमन की आवाज है। सुनिए तुम प्लीज इसको सुलाओ ना। नहीं मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं सुनना, प्लीज चेंज करवा के सुलाओ प्लीज। पिछले दो दिन से दिल्ली में क्या कर रहा था? पिछले दो दिन से दिल्ली में क्या कर रहा था? क्या कर रहा यार, प्लीज चले उठ, लीव इन। दो दिन से दिल्ली में था ना तू? हाँ। अरे मिहिर दिल्ली में था, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? पाठक ने सब कुछ बताया मुझे। दो दिन से दिल्ली में था, मैं लगता था कि कमीना अमेरिका में ना, दिल्ली में था, नाम बदल के रहना था। प्लीज प्लीज रमन, शांत हो जाओ, इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। रमन प्लीज, बाद में क्यों? मेरी बहन मरी है,
मेरी छोटी बच्ची थी वो। क्यों नहीं बताया कुछ? हाँ? पूछो ना, इसे शक क्यों नहीं हुआ इस पे? वीर बोलो, बताओ ना रमन को, कहा कि तुम क्यों ऐसा किया? वीर बताओ ना, वीर 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 प्लीज प्लीज रमन को बताओ, क्यों क्यों तुमने झूठ बोला सबसे? तुम यहाँ आ चुके थे ना दो दिन पहले दिल्ली, तो क्यों नहीं बताया तुमने हमें? बोल मेहर बोल, ये क्या बताएगा इसको तुम? रमन नहीं, 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 रमन प्लीज नहीं, उसे बोलने का मौका तो दो। अरे क्या बोलेगा, बोलने लायक कुछ होगा तो बोलेगा, नहीं प्लीज वीर, मेरी बहन का कातिल खुला घूम रहा है और ये जो उसका पति है दो दिन से दिल्ली में नाम बदल के रह रहा है, अगर इसे दिल में चोर नहीं था तो क्यों नाम बदल के रह रहा था? ये पूछो इसे क्या मतलब बनता है इसका, शक क्यों लगा इस पे? रमन तो शक करेंगे ना तुम पे, तुम्हें सच बताना होगा, प्लीज वीर अपने लिए प्लीज हमारे लिए बता दो सच, क्यों तुमने झूठ क्यों बोला? बोल पुत्र, सच बताओ सबको, तुम झूठे नाम से क्यों रह रहे थे उस होटल में? क्या बोलेगा सर? रमन रमन नहीं, क्या कर रहे हो यार तुम, कंट्रोल योरसेल्फ। सही कहा तुमने, इसको मार के कुछ नहीं होगा, पुलिस आएगी और पुलिस भी चुकी इससे। ये सच क्या? नो रमन, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम मिहिर को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे। क्यों? और क्या ऑप्शन है? है तुम्हारे पास? मिहिर हमारे घर का हिस्सा, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। मेरी बहन मेरे अपने परिवार का हिस्सा थी, इसको साले को जिंदगी में सब कुछ माना, क्या क्या इस? रमन रमन तू चलेगा पुलिस के पास और अपने मुंह से पकेगा सच क्या है। रमन नो प्लीज, नो प्लीज, इसको छोड़ो रमन प्लीज। समझ नहीं आ रहा मेरे पापा, रिंकी के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इट्स रॉन्ग, बट आपको लगता है मीर ऐसे कर सकता है? चीजों को उस पर इतना भरोसा नहीं है? मीका बेटा, तू तो जानती है कि रमन बिना सोचे समझे बहुत जल्दी रिएक्ट कर बैठता है, और उसकी बहन कही है बेटा, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और परेशान भी है, बट आई एम श्योर दो तीन दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो वो खुद मिहिर को जाके जेल से ले आएगा, और हो सकता है कि अब तक रिंकी के असली कातिल का भी पता चल जाए। आप समझ रहे हैं, दो तीन दिन मतलब दो तीन दिन तक मिहिर जेल में सटेगा। मान लिया कि वो दो दिन से दिल्ली में है, पर इससे क्या प्रूव होता है कि उसने रिंकी को मारा? नहीं, मिहिर को कुछ काम होगा इसलिए वो दिल्ली आया होगा। This is not fair. एक बार जीजू को मिहिर से बात करनी चाहिए थी। No. चाहे सब लोग मिहिर के खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया ये कहे कि मिहिर ने रिंकी का खून किया, लेकिन मैं उसके साथ हूँ, मैं उसे बेगुनाह साबित करूंगी, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, मौत होगी पुलिस स्टेशन। मीका बोलो, मीर क्या कर रहे थे दिल्ली में दो दिनों से, बोलो। I'm talking to you, damn it. मीर, I'm talking to you. Are you listening to me? बोलो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। रमन रोको इन लोगों को, प्लीज प्लीज रमन, आप जानते हो कि मीर ऐसा नहीं है, मीर क्यों करेगा, उसके पास कोई मोटिव नहीं है, वो कोई सबूत है उसके खिलाफ नहीं है ना, तो ये मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं बेचारे मीर को? रमन वो आपके भाई जैसा है। वो मेरी छोटी बहन थी, मेरी बच्ची जैसी थी, किसी ने मार के फेंक दिया उसको, और हाँ शक है मुझे इसमें, पुलिस को अपना काम करने दो, तुम बीच में ना ही आओ तो बेहतर है। अभिषेक तुम करो अपनी इंक्वायरी। रमन बोलो, मी आई एम टॉकिंग टू यू, क्यों मारना चाहते हैं रिंकी को? बोलो, रिंकी को नहीं मारा। तुम यहां दिल्ली में थे या नहीं थे? हाँ, मैं दिल्ली में था। क्यों झूठ बोला, क्यों छुपाई ये वाली बात सबसे? क्या किया इन दो दिनों में तुमने मिहिर? टेल मी। मिहिर कुछ बोलो ना प्लीज प्लीज, उन लोगों को बताओ ना कि क्या कारण क्या था, क्यों छुपाया तुमने ये सब, क्यों? क्योंकि मुझे पता था, मुझे पता था कि रिंकी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ। रिंकी के एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था, साथ में एक पिक्चर भेजी थी रिंकी और कुमार की, और मैसेज में लिखा था, देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे क्या गोल खेला है। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि रिंकी ऐसा कर सकती है, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना था। आई नीडेड प्रूफ, आई नीडेड टू बी श्योर। इसलिए मैं दिल्ली 2 दिन पहले आ गया, एक होटल में चेक इन किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रिंकी को फॉलो करूंगा ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। उस दिन जब गणेश पूजा थी तो मैंने रिंकी को फॉलो किया मम्मी आंटी की बिल्डिंग के नीचे। वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि रिंकी पंडाल के अंदर जा ही नहीं रही थी, वहां पे रुककर किसी का इंतजार कर रही थी और बार बार झांक कर कुछ देख रही थी। मुझे समझ नहीं आया, और जब मैंने देखा कि रिंकी क्या झांक झांक कर देख रही है, वहां इश्ता भाभी कुमार से बातें कर, और जब मैंने उनकी बातें सुनी तब मुझे यकीन हो गया कि रिंकी और कुमार का अफेयर। मैं भाभी के पास जाने ही लगा था, लेकिन इतने में देखा कि रोमी रोई हाथी मीका सब पंडाल की तरफ चल रहे हैं। उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सब कुछ टूट गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं, और मैं वहां से निकल गया। मुझे कुछ याद नहीं मैं कहां चल रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने रिंकी का खून नहीं किया। I did not kill my wife. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से उनसे बात करने के बाद कुमार वहां से निकल गया। उसने वहां से एक कैब हायर की और कैब वाले की गवाही हमने ले ली, तो ये तो तय है कि कुमार ने रिंकी का कत्ल नहीं किया। अब रही बात तुम्हारी, तो ये बात मैं कैसे मान लूं कि तुम वहां से चले गए थे? क्या तुम्हें किसी ने जाते हुए देखा? नहीं मिहिर, शक तुम्हारे ऊपर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और तुम्हारे पास तो परफेक्ट मोटिव भी है यार। You are that betrayed, jilted husband. वो husband जिसके साथ धोखा हुआ है। मैंने रिंकी का खून नहीं किया। He did not kill my wife. हमारी शादी कुछ अजीब सर्कमस्टांसेस में, इश्ता भाभी ने हमारी शादी कराई थी। उसमें बहुत बचपना था, बेवकूफों वाली हरकतें करती थी, लेकिन फाइनली हम दोनों के बीच में एक पति पत्नी का रिश्ता बन रहा था। मैं उससे प्यार करता था। I loved her. तुम क्यों नहीं मेरा यकीन कर रहे हो? मेहर, मैं तुम्हारी बात का यकीन करना चाहता हूं, बिलीव मी, लेकिन जब तक हमें वो गन नहीं मिल जाती और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक तुम पुलिस कस्टडी में ही रहोगे। ये रमन भल्ला ने तुम्हारे ऊपर केस किया अपनी बहन के मर्डर का। Do you understand that? मिहिर, तुम कुछ बोलोगे कि नहीं? कोई तो सबूत होगा, कुछ तो होगा ये प्रूव करने के लिए कि तुमने ये नहीं किया है। मीन जस्ट कोई सबूत, कुछ याद आ रहा हो, आसपास कोई था जिसे तुम्हें देखा, कोई आई विटनेस, समथिंग। यू हैव टू कम अप विद समथिंग स्टूपिड। यू जस्ट से समथिंग। भाई को लगता है कि मैंने रिंकी को, अभी भाई को लगता है कि मैंने रिंकी, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते? मैंने रिंकी को नहीं मारा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है भाभी जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं। मैंने सब कुछ सच बोल दिया। हाँ, मैं यूएसए से 2 दिन पहले दिल्ली आया। हाँ, मैंने एक होटल में चेक इन किया। हाँ, मैं रिंकी को पकड़ना चाहता था रंगे हाथों, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया, लेकिन मैंने रिंकी का खून नहीं किया। मैं कितनी बार समझाऊं, मैं कैसे रिंकी को मार सकता? वो मेरी बीवी थी। मैंने नहीं मारा रिंकी को। रमन, क्या कर रहे हो? रमन, उसको कितना टॉर्चर कर रहे हैं। चलो ना मिहिर को बचाओ ना। रमन, आपको उसकी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही है क्या? रमन देखो, उसने नहीं किया है ये सब, हमें दिखाई दे रहा है साहब। चलो ना रमन, निकलवाओ उसे यहाँ से, प्लीज प्लीज। वो हमारा बच्चा है रमन। कम कर यार, वो कौन थी? वो हमारी बच्ची नहीं थी, मेरी छोटी बहन थी वो।
समझ रही हूँ आपका दर्द, लेकिन रमन आप किसी बेगुनाह को तो हम सजा नहीं दिलवा सकते ना। भीड़ ने बताया, उसने अभी अभी बोला अंदर कि उसे पता लग गया था कि रिंकी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसे समझ में आ गया था, तो वो इसीलिए आया था और हम लोग उसे नहीं शेयर कर पा रहा था। रमन तो प्लीज उसकी उसकी प्रॉब्लम को समझो ना, प्लीज प्लीज। भाई मानता ना मुझे, वो वाकई मुझसे बात करनी चाहिए थी कि उसे भरोसा उससे तोड़ा है, क्या नहीं दिया जिंदगी में उसको, जो चाहे सब दिया, भाई से बढ़कर बना और उसे क्या दिया मुझे, ये छोटी बहन की लाश। कोई सबूत नहीं है। लॉर्ड, सबूत की जरूरत तुम्हें पड़ती होगी, मुझे नहीं। तुम्हें रहना रहो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कैसे साथ छोड़ दे भीड़ का, क्यों मिलना चाहती हो मीर से? ये कैसा सवाल है? तो उससे वो मेरा, मुझे मिलना है उससे। मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है उससे मिलने का। It's not about कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे मीर से मिलना है अभी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे उससे मिलने की परमिशन है या नहीं? देखा, नॉर्मल सिचुएशंस में हम परमिशन नहीं देते हैं, बट सिंस इट्स यू, I'm going to make an exception. Yeah. मैं तुमसे मिलने आई हूँ। निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। प्लीज मीर, बस दो मिनट मेरी बात सुन लो। मीका तुमसे कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हाँ, कैसे बात करो? तुमसे मीका, और क्या बात करूं? क्या तुम्हें देख नहीं रहा कि मैं इस वक्त कहां हूं और तुम कहां हो? जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हूं, अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में, और मेरे अगेंस्ट जिसने केस किया है वो मेरा अपना भाई है, मुझ पे कोई भरोसा नहीं है, और तुम चाहती कि मैं तुमसे बात करूं? क्या बात करनी है तुम्हें, बोलो मीका, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? हां, पूछना चाहती हूं मेरा हाल चाल क्या है, कुछ खाना पीना है, तुम्हें कुछ ऑफर करूं? Tell me, Mika, क्या बात करनी है? क्या पता तुम भी मुझसे सवाल जवाब करने आई हो? हाँ, कि क्या मैंने अपनी पत्नी का खून किया है? पूछ लो मीका, इल्जाम लगा लो। I don't care, I just leave me alone and go from here. क्या हो रहा है यहाँ? भीर, तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम मीका से चिल्लाकर बात करो, ओके? एक सेकंड, अभिषेक, हम दोनों के बीच में मत बोलो। मीका, मैं कह रही हूँ ना, हम दोनों के बीच में मत बोलो। मैं मिहिर को बहुत टाइम से जानती हूँ, मेरा दोस्त है, तुम ये बात जानते हो, इसलिए प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मिहिर, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो, चाहे कोई माने या ना माने, और तुम्हें दोषी कहे, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी कि तुमने रिंकी का खून किया। मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हें जानती हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर अभी क्या बीत रही होगी। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा पेन, देखो मीर, चाहे कुछ भी हो जाए, अब भी हिम्मत मत हारना, ओके? आई एम विथ यू, बी स्ट्रॉन्ग। जब तक मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं करती, मैं अपनी कोशिश बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं समझ सकती हूं, मीर, तुमने अपनी पत्नी को खोया है, तुम मैं पूरी कोशिश करूंगी, पुलिस स्टेशन के 100 चक्कर काटूंगी, कोर्ट के चक्कर काटूंगी, लेकिन तुम्हें यहां से बाहर निकाल के ही रहूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। I will prove you innocent and then I will stop.
मेहर और मीका में इतनी गहरी दोस्ती है या बात कुछ और है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।